अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जनाब वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं मम्मा के साथ प्रैंक और ये तीन मेरी सवालियाँ तैयार हैं, ठीक है। इन तीनों का मैंने बताया, लेकिन इन ये जो छोटे टिड्डे हैं ना, ये जो दो ये जो है, इन्होंने जाके पुप्पो को शो डाल दिया कि जी हम आप पुपड़ा भी अभी प्रैंक करने लगी हैं। लेकिन खैर वो मेरे बड़े वाले सियाने बच्चे ने जो है ना, उसने सारा मुद्दा संभाल लिया। खैर मूसा चुप। खैर आज हम करने जा रहे हैं मम्मा से प्रैंक, और प्रैंक जो है ना वो ये है कि मैं अपने हाथ पे बनाऊंगी फेक कट्स। रेड कलर का ब्लड सब कोई फेक होगा, कुछ भी ओरिजिनल नहीं होगा। ये ना यूट्यूब मेरा चैनल ही बंद कर दे, ठीक है। तो जनाब सब कुछ फेक है, तो उसके लिए जो है ना इसमें मेरी मामी भी साथ देंगी। मम्मा को जाके कहेंगी कि ना राबिया के हाथ में चोट लग गई है। तो जनाब हम सारे कट्स वगैरह बताएंगे कि हम किस तरह बनाएंगे। तो जनाब जो सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए वो चाहिए एक रेड मार्कर, ठीक है। सब कुछ फेक है, फेक है, मैं बार बार कह रही हूँ। एक ग्लू चाहिए हमें, और उसके अलावा तैयबा का ना मार्क, तैयबा के इसमें से निकाले थे उससे पहले कि मेरी बहन आ जाए। इसमें से एक हमें चाहिए रेड कलर का कलर, ठीक है, जिससे पता चले कि ये ब्लीडिंग जो है ना वो ओरिजिनल ब्लीडिंग है। फेक है सब कुछ, सब कुछ फेक है ना, फेक है। हाँ। फेक, ये फेक तो क्योंकि मेरी बहन जो है वो पेंटिंग वगैरह तो करती है, क्या होता है? नकली एंटरा। ये भी मुझे एक मिल गया रेड कलर। सारे हथियार तैयार है मेरी मामा को डराने के लिए। अब हम बनाना शुरू करते हैं कट्स को, ठीक है। उसके बाद इनके ऊपर लगाएंगे ये और बता देंगे किस तरह बनानी है ये। यार अब हम बनाते हैं हाथ पे, ठीक है, हाथ पे इस साइड पे बनाएंगे ताकि ना मम्मा को लगे कि शायद खून लग गया। लेकिन पहले मैंने इधर ट्राई करी थी तो वो मुझे ना इतना सही नहीं लगा, लेकिन खैर मैं इसी को ट्राई करती हूँ कि इसी के ऊपर बन जाए। चलो सबसे पहले ना यार ये लेना है, आपने ना मार्कर्स लेने हैं, मार्कर्स के साथ जो है ना कट्स बनाने हैं। उसके बाद दूसरा कट बनाना है आपकी मर्जी, दो कट बनाओ, तीन कट बनाओ, चार कट बनाओ, जितनी आपकी मर्जी प्लान करते उतने आप यहां से कट बनाओ, ठीक है। ये आपने बना लिए कट्स, इसको भी कट करना जाना कलर करो, ठीक है। ये दो कट्स बन गए आपके, तैयार हो गए बंदो जो। उसके बाद आपने लेना है रेड कलर, ठीक है। ये देखो ये प्योर रेड कलर है, वैसे इतना गाढ़ा तो मेरा खून भी नहीं है जितना गाढ़ा ये है। खैर फिर भी वही निकल आया अभी लाइट, ठीक है। देखो जल्दी ये ऐसे, ठीक है। भैया आपकी बहन का दिमाग है ना बहुत खुराफाती दिमाग है, बहुत, क्या कहूँ मैं तुम लोगों को मेरा दिमाग क्या है, ठीक है। आराम से इसको ऐसे साइड से जो है ना, एसबी अल्लाह, कितना ब्लड रेड रेड कर लेना, शीशा लगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है थोड़ी सी ग्लू लेनी है, ग्लू से क्या होगा इसको लगा के ना, ग्लू से क्या होगा इससे, जैसे वो जो जख्म जख्म से नहीं आ जाते ये वैसे आएंगे कि जख्म आ गए, और ऊपर से वो रेड कलर भी हो जाएगा उसके साथ ही मिल के। ये ऐसे चिपक जाएगा, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और रेड कलर लेना है आपने, ठीक है, ऐसे। जाओ देखो, नहीं 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 आ रही, नहीं आ रही, रहने दो, मैंने देखा वो नहीं आई, ठीक है। तो बस अब सूख गया ये, बिल्कुल सूख गया ये। अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है ताकि ना ये ऐसे जब हाथ गीला होना तो ये गिरे बिल्कुल एज पे बने, कि अगर मैं ऐसे बंद रखूँगी ना तो मम्मा को लगेगा वाकई खून निकल रहा है मेरी बच्ची का, बहुत सारा खून लॉस हो रहा है। तो बस अब इसके ऊपर पानी लगाना है, फिर देखते हैं। तो टड़ा जनाब, आपकी बहन का हार्ट बिल्कुल तैयार है, ठीक है। मैंने सारी सेटिंग सुटिंग कर ली कि मैंने फ़ोन कहाँ रखना था कि मेरी अम्मा को बिल्कुल पता ना चले, बाकी अभी मेरी एक होने हार से गिर जाएगी और मम्मा को कहेगी कि मैं इस राबिया के चोट पे बहुत बहुत ज़्यादा चोट लगी है राबिया के हाथ पे, तो प्लीज़ आके राबिया को रेस्क्यू कर देनी, तो उनका बाल्टियाँ भर के खून निकलने लगे। तो जनाब मेरी उतरी हुई बूथी आपको इस बात का वाजह सबूत दे रही होगी कि आपकी बहन का प्रैंक बिल्कुल फ्लॉप गया। जब पहले हाथ में मैंने मम्मा को कट्स दिखाए, मैंने कहा मम्मा देखो कट्स लगे हैं, जी इन्होंने एक दफ़ा मेरी शक्ल देखी, फिर उन्होंने कट्स देखे, छोड़ कर चली गई मुझे, कहती हैं हाँ हाँ माँ के साथ उस्तादियाँ लगा रही हो। मैंने कहा, मैंने कहा नहीं 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 उस्तादियाँ नहीं लगा रही, मुझे चोट लगी, उन्होंने ऊपर से ग्लू उतार दी,
कहती है हाँ अब बताओ चोट लगी कितनी गहरी लगी है तुम्हें चोट। खैर मैंने कहा मम्मा आपको पता पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम सही कहती हो, माँ को नहीं पता होना चाहिए था और गहरों को पता होना चाहिए था ना। उन्होंने वाह वाह की मेरी, उन्होंने कहते यूनिवर्सिटी जाओ तू मेरा सर खा रही है घर में तो तेरा ये वो फलाना बड़ा उन्होंने मेरी बड़ी की उन्होंने। तो उसके बाद मैंने ये सब रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने कहा ये ना मेरी आवाम मेरी माँ से बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाए। तो खैर उम्मीद है आप लोगों को आज के व्लॉग में मज़ा आया होगा और मैंने आप लोगों को बता दी कि कट्स किस तरह से बनाते हैं। अगर फर्दर आप लोगों ने कुछ भी मज़ीद ऐड करना है तो वो आपकी मर्ज़ी आप कर सकते हो। तो आप लोग एक दफ़ा मस्ट ट्राई करना और मुझे बताना कि आप लोगों का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। और दूसरा लेकिन ये था कि जब मैंने तैयबा को पहली दफ़ा अपने कर्ज दिखाया जब वो यूनिवर्सिटी से आई तो उसको मैंने कहा देख मुझे ना चोट लगी है। सो शी सेड हो ये क्यों है तुझे। फिर उसने दो मिनट बाद कहा नहीं 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 तू प्रैंक कर रही है फेक आई है अपनाना। लेकिन पहली बारी में उसको यही लगा था कि ये ना ओरिजिनल है। खैर उम्मीद है आप लोगों ने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा और अगर आप लोगों ने आज का व्लॉग इन्जॉय किया है तो एक लाइक का बटन और एक सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दो। और दूसरा आज या कल में ना मैं इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स डाल दूँगी हिजाब ट्यूटोरियल के। बहुत ज़्यादा डिमांड थी, एक तो वेडिंग हिजाब थे और एक बैक टू यूनिवर्सिटी हिजाब से कुछ ऐसा सीन था। तो वो मैं इंशाल्लाह आज या कल में ना वो दो तीन अपलोड कर दूँगी। सो उस पर भी लाजमी लाइक करना और अभी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।